दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं आपका फेवरेट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक कैसे पैसे कमाता है? अगर नहीं तो ये वीडियो देखना ना भूले। दोस्तों, मैं शिवम सिंह आप सभी का फ्लेक्सी ट्रिक्स के एक नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम में से सभी लोग लगभग फेसबुक यूज करते हैं। यहाँ हम लोग अगर पॉइंट पे ध्यान दें तो हमने आज तक कभी फेसबुक को 1 रुपया भी दिया नहीं है। मतलब हमने आज तक किसी प्रकार का मंथली या लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। हमने उसे किसी प्रकार का कोई पैसा कभी नहीं दिया है। तो जो फेसबुक है वो पैसे कैसे कमाता है? मतलब आज फेसबुक के जो CEO है मार्क जुकरबर्ग, उनका नाम आज भी बिलीनियर्स में गिना जाता है। मतलब वो बिलीनियर्स हैं, बिलियन में पैसा कमा रहे हैं। तो जब जब उनका यूजर उनको पैसा ही नहीं दे रहा है तो वो पैसे कैसे कमाते हैं? ये एक बात सभी फेसबुक यूजर को कभी ना कभी आई होगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे यूजर्स हैं जो फेसबुक सालों से यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम 5 इयर्स 6 इयर्स से वो लगातार फेसबुक यूज कर रहे हैं और वो उनका सबसे फेवरेट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट भी है। तो यहाँ मैं आपको आज 2D एनिमेशन के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, प्लस मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा कि फेसबुक कैसे पैसे कमाता है, उसको पैसा कहाँ से आता है। तो ये वीडियो आप जरूर देखें और जानिए आप किस प्रकार फेसबुक को बहुत सारा पैसा कमा कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं 2D एनिमेशन की स्क्रीन पर और फेसबुक की ये जानकारी जानने से पहले हम चलते हैं फेसबुक के थोड़ा पास्ट में। दोस्तों, फेसबुक की शुरुआत 2004 में हुई। जब फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक बनाने का आइडिया आया, तब उन्हें पैसों की भी जरूरत थी, क्योंकि उन्हें बहुत से सर्वर्स और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो लेनी थी, जिसके लिए उन्होंने अपने दोस्त एडवर्डो सेवरिन, जो आज भी फेसबुक के को फाउंडर है, उनसे हेल्प ली और उन्हें पार्टनरशिप पे फेसबुक पे रख लिया। फेसबुक बनाते ही कुछ दिन में ही फेसबुक में ऐसे रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन आने लगे जिनमें से कुछ सेलिब्रिटीज भी अब फेसबुक में यूज करना शुरू कर चुके थे। तब उनके फ्रेंड एडवर्डो सेवरिन ने उन्हें एडवर्टाइजमेंट लगाने की सलाह दी ताकि अब पैसे कमा सके, क्योंकि अब तक फेसबुक ने कोई भी कमाई नहीं की थी इतने उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी। लेकिन मार्क जुकरबर्ग को ऐसे कोई भी फालतू एड्स लगाकर अपने यूजर्स को इरिटेट नहीं करना था, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट्स में पॉप एड्स होते हैं जो क्लिक करते ही दूसरे टैब में खुल जाते हैं, या फिर डिस्प्ले एड्स होते हैं कि हम लोगों को इंटरेस्ट है गेम्स एप्लीकेशंस में और हमको ज्वेलरी का एड्स आ रहा है या फिर बिना मतलब का एड्स आ रहा है। वो चीज़ मार्क को बिल्कुल भी अपने फेसबुक में यूज़ नहीं करनी थी, क्योंकि इससे यूज़र जो है बहुत इरिटेट होता है। और तब इस बात को लेकर मार्क और एडवर्डो के बीच में काफ़ी सारी बहस भी हुई, जो कि फेसबुक के लिए अच्छा नहीं था। तब मार्क ने कुछ टाइम लेकर एक बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला, क्यों ना यूज़र्स को इंटरेस्ट बेस्ड ऐड दिखाए जाए। वो एड्स कुछ इस प्रकार के हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप इस एड्स को देख के कभी इरिटेट नहीं होंगे, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के एड्स दिखा रहा है। प्लस इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि ये एड्स हैं, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट के हैं तो हम इसमें दिलचस्पी लेते हैं, हम इसे पढ़कर या तो उस पर क्लिक कर देते हैं या फिर ऊपर निकल जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको कार बहुत पसंद है और आपने कार की रेट्स या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी सर्च किया है, तो आपको सिर्फ कार की एड्स ही दिखेंगी या उससे कोई रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट ही दिखेगा, जो शायद आपको पता भी नहीं लगता है कि एड्स है। और जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, उसमें स्पॉन्सर एड्स करके लिखा होता है। और इसकी एक खास चीज़ ये है कि अगर आप स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्पॉन्सर एड्स आएगा, लेकिन अगर आपका अगर कोई एडवर्टाइजमेंट ने अपना वीडियो दिया है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, तो उस जगह पर आपको एक स्पॉन्सर वीडियो दिखता है। जब आप वीडियो की स्क्रीन स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे स्पॉन्सर्ड करके लिखे होते हैं वीडियो, जो शायद किसी ने डाले नहीं होते हैं, लेकिन हमें वीडियो के आसपास उनसे रिलेटेड वीडियो ही हमें शो होता है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उससे यूज़र जो है इरिटेट भी नहीं होता है फेसबुक का, और क्योंकि वो एड्स आपसे रिलेटेड टॉपिक पे शो कर रहा है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं फेसबुक पैसा कमाएगा, और फेसबुक पे कोई भी अपना एड्स अब शो करवा सकता है, ऐसा फेसबुक ने इनेबल कर दिया है। मतलब इस पे एड्स दिखाने के लिए आपको कुछ 10,000 15,000 ऐसा कोई भी पैसा नहीं देना, ना ही आपको 1,000 भी नहीं। आप फेसबुक पे एड्स सिर्फ अब 100 रुपये में भी शुरू कर सकते हैं। मतलब अब फेसबुक ने ऐसा सिस्टम ला दिया है कि अगर आपका कोई शॉप है या आपका भी कहीं बिजनेस है छोटा मोटा जो आप फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 100 रुपये से अपना जो एड्स है शो करवा के दिखा सकते हैं, तो आप भी मतलब इंटरेस्ट लेंगे। तो वो 100 रुपये
के बदले वो आपको ऐसे ऐसे यूजर्स देगा जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो। आपको जान के हैरानी होगी, आज फेसबुक के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस है। मतलब फेसबुक आज सबके बारे में सब जानता है कि किसको क्या चीज़ पसंद है और किसको क्या चीज़ दिखानी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, आप रास्ते से जाते हैं, आपको बिल्डिंगों के ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं, कार के, ज्वेलरी शॉप्स के, जो कि शायद आपके मतलब के भी नहीं होते हैं। शायद 100 में से सिर्फ एक या दो लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और उस एक या दो में से भी गारंटी नहीं होती है कि वो एक या दो उस चीज़ को इंटरेस्ट लेकर उसको फॉलो करेगा। इसलिए आज सारे एडवर्टाइज़र फेसबुक पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि फेसबुक जो है आज सिर्फ उन्हीं लोगों को वही ऐड दिखाएगा जिसको लोगों को इंटरेस्ट है। मतलब इंटरेस्ट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट्स। अगर आपको कार पसंद है तो आपको कार का एडवर्टाइजमेंट आएगा, आपको वेबसाइट डेवलपिंग पसंद है तो आपको वेबसाइट HTML के एड्स आएंगे, अगर आपको डोमेन होस्टिंग या कोई भी ऐसी चीज़ पसंद है तो आपको उनसे रिलेटेड आएगा, आपको ज्वेलरी पसंद है तो आपको ज्वेलरी के एड्स शो होंगे। आपका इंटरेस्ट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट शो होगा जिससे आप लोग कभी भी इरिटेट नहीं होते हैं फेसबुक को, और शायद आपको पता भी नहीं चलता है कि ऐड है। इसलिए आज फेसबुक सबसे आगे निकल गया है, और फेसबुक की जो अर्निंग है दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उनका डेटाबेस बढ़ता जा रहा है, और ये एक अच्छी चीज़ है जो मार्क ने अपने यूज़र्स के लिए लगाई, जिससे फेसबुक भी सेफ रहेगा और फेसबुक के यूज़र्स भी इरिटेट नहीं होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको दी हुई जानकारी पूरी तरह समझ में आई होगी। अब भी ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ में आया है या आप चाहते हैं कि मैं आपको उसे डिटेल में समझाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आप मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स अपने मोबाइल और डेस्कटॉप की स्क्रीन पर पा सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।